लेसन का नाम है इन द ट्रेन, ट्रेन में। प्रशांत लिव्स इन मेरठ, प्रशांत मेरठ में रहता है। लिव्स मतलब है। ही इज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मिलने तो उनके पास जा रहा है। दे लिव इन जम्मू, और दे मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स, वो कहाँ रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। ही इज गोइंग विद हिज मदर फादर एंड सिस्टर दीप्ति, तो वो प्रशांत, ही मतलब प्रशांत, जा रहा है विद मतलब के साथ, किसके साथ जा रहा है, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ और अपनी बहन दीप्ति। दे आर गोइंग बाय शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन, शालीमार एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, वो उससे शालीमार एक्सप्रेस से जा रहे हैं। दे मतलब वे सब, वो चारों। दे फर्स्ट गो टू रेलवे स्टेशन, वो पहले, फर्स्ट मतलब पहले, रेलवे स्टेशन जाते हैं। द कुली कैरीज देयर बैग, कुली वहाँ पे उनके बैग उठाता है। कुली मतलब वो पोर्टर कहते हैं वैसे इंग्लिश में, हिंदी में कुली होता है जो सामान उठाता है। दे गेट इन टू द ट्रेन, वो ट्रेन पर चढ़ते हैं। प्रशांत सिट्स नेक्स्ट टू विंडो, प्रशांत जो है किसके साथ बैठता है, विंडो के पास। द स्ट्रेट द ट्रेन स्टार्ट मूविंग विद साउंड, अब जो ट्रेन है वो, ट्रेन की क्या आवाज़ आती है, छुक 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 आती है ना, अच्छा ये छुक छुक क्यों लिखा है, छुक छुक होती है, ये छुक छुक आ रहा है, एक्चुअली होनी चाहिए स्पेलिंग ये छुक छुक, ठीक है। ट्रेन जो है वो उसके साथ करिए, एंड पिक्स अप द स्पीड, पहले धीरे धीरे आवाज़ आती है फिर वो एकदम स्पीड पकड़ लेती है, पिक्स अप मतलब पकड़ लेना, तेज हो जाती है। मदर एंड प्रशांत वो सिटिंग क्रियसली, अब मदर माँ और क्या है प्रशांत, वो बैठे हैं क्यूरियसली, मतलब होता है कुछ जानना हो ना, जैसे कुछ इच्छा हो बड़े एक्साइटेड से। एंड हिज फादर फेल एस्लीप, और फादर सो गए। अब हम भी जब ट्रेन से जाते हैं तो कहते हैं ना खिड़की के पास बैठेंगे, और बाहर क्या होता है हम बड़े ध्यान से देखते हुए चले जाते हैं, इंटरेस्ट आता है हमें, हाँ तो ये वही क्यूरियस वर्ड से बना है। ओके, प्रशांत इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, प्रशांत क्या कर रहा है, लुकिंग आउट मतलब बाहर, लुक मतलब देखना, तो वो विंडो से बाहर देख रहा है। ही कैन सी, अब उसे क्या क्या दिख रहा है विंडो से बाहर, वो देख सकता है काओ ट्रीज फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत। ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट दैट ही थिंक्स द ट्रीज एंड फील्ड्स आर रनिंग बिहाइंड, अब क्या होता है जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं ना, ट्रेन आगे जा रही होती है और खूब स्पीड पे होती है, तो हमें लगता है जो चीज़ हम देख रहे हैं ना वो बहुत तेज़ी से पीछे जा रही है, तो वही ट्रेन इतनी तेज़ी से है कि वो सोचता है कि ट्रीज और फील्ड जो है वो पीछे भाग रही हैं। दीप्ति इज प्लेइंग विद ब्लॉक्स, दीप्ति किसके साथ खेल रही है, ब्लॉक्स के साथ। द ट्रेन इज गोइंग ओवर द ब्रिज ऑफ अ रिवर, अब ट्रेन जो है रिवर पे एक ब्रिज बना हुआ है पुल, उसके ऊपर से जाती है, जा रही है। इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज, जब ब्रिज के ऊपर से जाती है तो ट्रेन बहुत शोर करती है। देन इट पासिस थ्रू टनल, टनल होता है जो जमीन के नीचे बनाई होती है ना, टनल अंधेरा अंधेरा होता है, वहाँ से पास हो रही है। प्रशांत अंडरग्राउंड पैसेज होता है टनल, प्रशांत एंड डिप्टी स्क्रीम, अब वो डर जाते हैं, स्क्रीम मतलब चिल्लाते हैं वो। द ट्रेन इज रीचिंग द स्टेशन नाउ, अब जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ ट्रेन पहुँच गई है, नाउ मतलब अब ट्रेन स्टेशन पे पहुँच रही है। दे कैन सी देयर ग्रैंड पेरेंट्स, वो देख सकते हैं उनके कौन, किनको देख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। प्रशांत एंड दीप्ति आर हैप्पी टू सी देम, प्रशांत उनको देखकर बहुत, प्रशांत और दीप्ति उनको देखकर बहुत खुश हुए। वी शुड केयर फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। वेयर वर प्रशांत एंड दीप्ति गोइंग, प्रशांत और दीप्ति कहाँ जा रहे थे। वट डू प्रशांत सी थ्रू द विंडो, विंडो के पार प्रशांत को क्या दिख रहा था। वेन डू प्रशांत एंड दीप्ति स्क्रीम, प्रशांत और दीप्ति कब चिल्लाए। होम डू प्रशांत एंड दीप्ति सी एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे प्रशांत और दीप्ति ने किसको देखा। हो गया।